एंड फाइनली वी हैव दिस Z8 कैमरा, ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है। काफ़ी रूमर्स काफ़ी दिनों से चल रही थी, डेवलपमेंट अनाउंसमेंट हुई, टीजर वीडियोज हमने देखी, लीक्ड इमेजेस, स्पेक्स, एंड फाइनली द डे इज टुडे, इस दिन जब अपने Z8 कैमरे की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। यहाँ पर Z8 कैमरे में मेरे को दो चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली इंप्रेस करी। नंबर एक, यूजुअली इसकी स्पेक्स जो मैंने देखी, क्योंकि इसकी स्पेक्स को अगर आप देखते हो, यू विल जस्ट फील लाइक कि आपने Z9 को मिरर में रख के देख रहे हो। द एग्जैक्टली सेम कॉपी, इंटरनल कोर स्पेक्स की मैं बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन, बट ऑफकोर्स इन डिजाइन में आपको लगेगी बड़ा है, बट इंटरनली कोर स्पेक्स की हम बात करें, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। नाउ द थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सबसे बड़ा मुझे जो शॉकिंग थिंग, दैट द Z9 कैमरा की कोर स्पेक्स को Z8 कैमरे के बॉडी में पैक करके 327,000 के प्राइस रेंज में, बॉडी की अप्रॉक्स अगर हम इसके डॉलर वाली प्राइस रेंज को कन्वर्ट करके अभी देखें तो मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली इसी प्राइस रेंज में कैमरा आएगा। और इस प्राइस रेंज कैमरे में अगर निकॉन इस कैमरे को डाल देते हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में अगर निकॉन इस कैमरे को डाल देते हैं Z8 को, देन भैया आपने तो मार्केट को फ्लश ही कर देना, ठीक है। फ्लश का मतलब समझते हो, सिंस कि इस तरह के कैमरे को, अब इस तरह के कैमरे का कंपेटिटर बनाने में सोनी को, कैनन को, एटलीस्ट सोनी को हो सकता है थोड़ा कम टाइम लगे, कैनन को कम से कम साल भर से ज्यादा ही लगना है। और करेंगे भी तो क्या करेंगे, आपने क्या करी है, निकॉन ने क्या करी, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझे कि भैया निकॉन Z9 की जो 45 MP सेंसर थी, तो आपको कहोगे तो 45 MP तो R5 में, A7R सीरीज में 60 MP वाली पड़ी हुई है, आप क्या बात कर रहे हो। तो भैया यहाँ पर सिर्फ 45 MP सेंसर की बातें नहीं, इट्स ए काइंड ऑफ ए फ्लैगशिप कैमरा, वी आर टॉकिंग अबाउट Z9, द फ्लैगशिप कैमरा ऑफ निकॉन, विच इज नाउ अवेलेबल इनसाइड Z8 बॉडी। और इसके आप थोड़े बहुत फीचर्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज स्पेक्स रिव्यू वीडियो ब्रो, सो यहाँ पर आपके 45 MP की स्टैग्ड CMOS सेंसर, जिसकी रीड आउट स्पीड है 3.7 मिली सेकेंड, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन R5 कैमरे की जो रीड आउट स्पीड है सेंसर की, वो 16.7 मिली सेकेंड। मैं A7R सीरीज के रीड आउट स्पीड में इस वक्त नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भैया उनकी बर्स्टिंग स्पीड 10 FPS पे लिमिटेड है, क्या ही अचार डालना उनकी रीड आउट स्पीड का, जब आप कहीं एटलीस्ट 20 FPS तक पहुंच, या जैसे निकॉन का Z8 कैमरा अप टू 120 FPS ब्रस्ट अलाउ करता है। आई हैव सेड इट्स लुक लाइक कि आप Z9 कैमरे को मिरर में देख रहे हो, इट इज दैट मच सेम इंटरनली। सो यहां पर आपने ये समझना है दैट कि निकॉन ने, आई एम गोइंग टू से कि भैया क्या ही डाल दिया है मार्केट में, अब इसके कंपटीशन में आने में फ्यूचरिस्टिक कैमरेज को टाइम लगेगा, और जब तक नहीं आ जाते निकॉन का एकमात्र दबदबा बना रहेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम ले, जस्ट लाइक कुछ ही दिनों पहले सोनी ने ZV-10 कैमरा अनाउंस करा था अपने बेस प्राइस रेंज, अभी तक लिटरली उतने ही ज़्यादा फीचर्स लाइक प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर प्रायोरिटी, ऑल दैट स्टफ, उस प्राइस रेंज में अभी तक उस कैमरे को टक्कर देने वाला कैमरा प्रॉपरली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, इवन तो अभी भी मार्केट में उसकी किल्लतें चलते रहती इतनी डिमांड पे। द सेम वे निकॉन Z9 अनाउंस हुआ था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट अनाउंसमेंट, कीप अटेंशन ऑन माई वर्ड्स, मैं डेवलपमेंट नहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूं। Z9 अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2021, पीक सेल्स पीरियड Z9 का चला गया। व्हाट आई पर्सनली नो कि कई सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं, कई सारे ऐसे निकॉन के शूटर्स हैं जो Z9 को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं परचेस कर पा रहे, भैया मेरे पास 4 लाख के करीब पैसे नहीं कि मैं सिर्फ बॉडी पे स्पेंड, नीड अ सॉल्यूशन। वो कह रहे थे एटलीस्ट मुझे एक R5 की प्राइस रेंज में कोई कैमरा निकॉन दे दे, जो R5 से भी थोड़ा सा भी बेटर रहे तो काम चल जाए। तो निकॉन ने क्या करा, बहुत बहुत स्मार्ट मूव प्ले करा, जो कि ऑफकोर्स सोनी और कैनन को अभी समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट वंस दे अंडरस्टैंड व्हाट निकॉन हैव डन, दे विल बी इन डीप शॉक, और इससे उबरने में ऑफकोर्स उन्हें थोड़ा टाइम जरूर लगने वाला है। A9 को भले वो स्टैक्ड CMOS सेंसर के साथ अपडेट करें एक हाई रेजोल्यूशन पे, तब हो सकता है कुछ हो, और R5 Mark II जब तक कि एक 45 MP की स्टैक्ड CMOS सेंसर के साथ नहीं आता, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। देखो मेरे दोस्त, क्यों R5 प्रॉपरली नहीं कम्पीट कर पा रहा है, क्यों सोनी की A7R सीरीज के कैमरे से प्रॉपरली कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं ऑफ हैविंग 60 MP सेंसर। देखो मेरे दोस्त, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दैट वी आर हैविंग Z9 अंडर द Z8 बॉडी, आपकी 45 MP की सेंसर है, स्टैक्ड CMOS सेंसर विद 3.7 मिली सेकेंड रीड आउट स्पीड, दिस रीड आउट स्पीड एंड निकॉन लेटेस्ट इमेज प्रोसेसर, आप अपने 45 MP के स्टैक्ड CMOS सेंसर से 20 FPS, 30 FPS, 60 FPS एंड 120 FPS तक की ब्रस्ट ले सकते हो। इन 20 FPS यू कैन रिकॉर्ड रॉ प्लस जेप
JPEGs, in 30fps you can only record JPEGs, in 60fps you can record the DX crop, and in 120fps you are allowed to record 11 megapixel images. But again, just like Z9 camera, इसमें क्यों उन्होंने 120fps की मोड को अनलॉक करके रखा है? Just to show off the muscles, brother, कि यहाँ पर वो ये दिखा रहे हैं कि भैया आप 120fps की ब्रश पर चल जाओ, but आपको थोड़ा भी rolling shutter effect देखने को नहीं मिलेगा. And this thing make this camera truly unmatchable when compared to the R5 or other camera of this price range. आपको अगर इसके competition में कैमरे को देखना है तो आपने Alpha A1 से compare करना होगा, या कहीं ना कहीं R3 की performance से आप इससे compare कर सकते हो, but वो एक काफी higher price range पे आता है, और जिस price range पे अपना Z8 arrive किया है, literally ये competition exist ही नहीं कर रहा है Z8 camera. We have talked about the burst speed, AF system के बारे में बात करें, तो अब जस्ट लाइक निकॉन Z9 की डीप AI AF लर्निंग एल्गोरिदम इसमें डाली हुई है. AF sensitivity is up to -9 EV and number of AF points is 490. But यहाँ पर AF points के comparison में आप जाओगे ना तो काफी बड़ी confusion में फंस. Since the camera is able to properly control its AI AF performance even when you are shooting 120 frames per second. अब आपको क्या ही AF points के बारे में लेना देना या सोचना समझना जब आपका कैमरा either आप 20fps पर शूट कर रहे हो, 30fps JPEG मोड, या 60fps की DX क्रॉप मोड, या 11 मेगापिक्सल्स की 120 फ्रेम्स पर आप शूट कर रहे हो, इन एवरी फ्रेम द कैमरा इज एबल टू प्रॉपरली ट्रैक सब्जेक्ट. तो फिर 493 पॉइंट रहे या 4997, क्या ही करना जब आपको इतनी हाई क्लास की डीप लर्निंग AI परफॉर्मेंस मिल. नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, अगर हम बफर की बात करें, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है दैट वी हैव टू कार्ड स्लॉट्स इन दिस कैमरा. द फर्स्ट वन इज SD and the second one is the CF Express Type B. तो यहाँ पर अगर आप CF Express Type B card slot लगाते हो, you will get the exactly same buffer that you have in the Z9 camera. That you are able to record approximately 1000 files even in RAW. But जब आप अपने कैमरे की ब्रश को SD card लगाकर यूज करोगे Z8 कैमरे में, you will not get that performance, believe. आपकी buffer limit कर जाएगी उस वक्त जब आप SD card. But when you are using fast readable CF Express Type B card, तब आपको proper buffer मिले. तो आपने ये समझना है कि अगर आपने इसे फुल फीचर्ड Z9 वे में यूज करना है स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, तब आपने इसमें CF Express Type B कार्ड्स ही यूज करने हैं. अदरवाइज अगर आप वेडिंग और इवेंट शूटर हो तो SD कार्ड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. उसी वीडियो की बात करें तो आप इसमें NRAW फॉर्मेट में 12 बिट की 8K की 60fps की फाइल्स इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते. जब हम प्रो रेज मोड की बातें करें, 12 बिट पर आप 4.1K की 60fps सब सैम्पल्ड फाइल रिकॉर्ड कर सकते. नाउ व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग एट H.265, तब आप यहां पर 8K की 30fps की 10 बिट वीडियोस इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 60fps की 8K ओवर सैम्पल्ड वीडियोस 10 बिट में इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर 4K की 120fps की सब सैम्पल्ड वीडियोस भी आप इंटरनली 10 बिट में रिकॉर्ड कर सकते. दीज आर द बेसिक वीडियो कोर स्पेक्स ऑफ द Z8 कैम. अगर हम मैक्सिमम रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट की बात करें, देन यू कैन रिकॉर्ड वीडियोस up to 90 minutes, which is more than enough. Of course, Z9 कैमरे में हमें लगभग 125 minutes की maximum recording time limits मिलती थी, but यहाँ पर थोड़ी सी short करी गई है, maybe for the internal heating mechanism or whatever. But हाँ, at this price range, you are getting 8K up to 60fps in NRAW format. अब आपने क्या ही चाहिए अपने Z8 कैमरे से. So मैंने इस बारी design part की बात अभी नहीं करी, मैंने internal core specs की बातें इसलिए करी that this is exactly similar as Z9 इंटरनली. सो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेस कर जाएगा अपनी कोर स्पेक्स के साथ. अगेन आई एम थिंकिंग भैया अब एटलीस्ट कैनन ने R5 Mark II कैमरा, सोनी ने A9 III कैमरा जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए. सोनी को तो काफी अपडेट्स की जरूरत है अपने A9 III कैमरे के लिए, एक हाई रेजोल्यूशन 45 स्टैक सीमॉस सेंसर टू कम्पीट अगेंस्ट द Z8 कैमरा, और साथ ही साथ अपने R5 को भी अब एक स्टैक्ड बेस की जरूरत है. विदाउट स्टैक्ड अब काम नहीं चलने वाला मेरे दोस्त. अब 20fps में भी आपके रोलिंग शटर इफेक्ट दिखती है, और यहाँ पर हमें अपना Z8 120fps की फ्रेम्स प्रोवाइड कर रहा है. सो नाउ द थिंग्स हैव चेंज, और अब इनके कंपेटिटर्स को भी अपडेट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी हुई है. एंड लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द डिजाइन पार्ट ऑफ द कैमरा. डिजाइन के बारे में बात कर ले तो आपको वही एग्जैक्टली D850 की हैंड ग्रिप मिलती है, और ये खासकर निकॉन ने इसलिए कहा है कि अगर D850 का यूजर अपडेट कर रहा है तो उसे थोड़ा भी डिफरेंट फील नहीं होना चाहिए जब अपने Z8 कैमरे को होल्ड करता है. सो यू आर हैविंग एग्जैक्टली द सेम हैंड ग्रिप दैट यू हैव फेल्ट इन 850 कैमरा D8. सो बॉडी डिजाइन की बातें कर ले फाइनली,
फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देन इट इज 30% स्मॉलर देन द Z9, 50% स्मॉलर देन द D850 कैमरा। अगर हम डायल्स की बात कर ले, क्या मिसिंग आपको मिलेगा टॉप पे अगर आप एक लुक में देखते हो, देन द फ्रेम चेंजिंग डायल दैट यू विल मिस एंड फंक्शन बटन्स आपके यहाँ पर दो मिल रहे हैं, Z9 में 3 मिलते हैं। सो अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस दैट यू विल नोटिस एंड ऑफकोर्स साइज में आपको एक काफी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। बैटरी अब आपको ENEL 15C वाली मिलती है, जिससे कि जो आपका शॉर्ट साइकिल है कम हो जाता है, लगभग हाफ हो जाता है, क्योंकि आपके Z9 से एक बार अपनी बैटरी चार्ज करते हो तो लगभग 700 प्लस यानी 740-750 शॉट्स यूजर कहते हैं कि उन्होंने एक बार में खींचा। एंड अगेन Z8 के बारे में निकॉन ये कह रहे हैं कि आप इससे लगभग 300 प्लस शॉट्स यानी कि अप टू 340-350 या 330 शॉट्स ले सकते हो, बट अगर आप इसमें बैटरी ग्रिप लगा देते हो तो आपके Z8 कैमरे की जो बैटरी लाइफ कैपेसिटी वो लगभग आपके Z9 के पास पहुंच जाएगी। डिस्पाइट ऑफ दैट ENEL 15C से भी आप अपने 4K की वीडियोस को लगभग 90 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकते हो, दैट इज आल्सो वेरी डिसेंट टाइम। सो दिस वाज अबाउट द बैटरी। और क्या मिस कर रहे हैं इसमें, ईथरनेट पोर्ट को मिस कर रहे हैं? हाँ, ईथरनेट पोर्ट को तो मिस कर रहे हैं, बट यहाँ पर निकॉन ने डुअल USB दे दी है। अब ये डुअल USB इसलिए दी कि भैया एक USB से आप चार्ज करो, एक से आप इसके स्ट्रीमिंग में लगाओ या आप डायरेक्टली कनेक्ट रखो अपने सिस्टम से Z8 कैमरे को वैल्यू आर शूटिंग इन योर स्टूडियो, और एक USB से भाई अपना कैमरा चार्ज हो रहा है। तो ये तो भैया एक बहुत ही ज़्यादा यूजेबल बॉडी आपने बना दी, और बिफोर दिस कैमरा आज तक किसी भी कैमरे में डुअल USB का कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट ऑल। एंड अगेन अगर आप एक USB में अपने ईथरनेट डोंगल को यूज कर लेते हो तो वो एक ईथरनेट पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो मोर और लेस यहाँ पर आपकी जो भी कमी थी वो उतनी कमी है नहीं, ऊपर से डुअल USB पोर्ट मिल जा रहा है जिससे अपने आपको कैमरे में चार्ज और काम पे लगाए रह सकते हो। सो लिटरली इट इज वेरी यूजेबल कैमरा एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस रेंज, एंड व्हाट आई हाईली रिकमेंड कि भैया अगर आप वेट कर रहे थे तो आप बस परचेस करने की लाइन में लग जाओ कि अब बस Z8 परचेस कर ही लेना है, कोई भी कमी नहीं है। और जिस लेवल पे ये अनाउंस हुआ है, जिस प्राइस रेंज पे, अभी इसके लिए कोई मार्केट कंपटीशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सूनर और लेटर जब कैनन और सोनी इसके लिए तैयारी करते हैं, कैमरा अनाउंस करते हैं, तब हो सकता है कुछ एक इसकी कंपटीशन में चीजें आए। वी विल बी डूइंग स्पेक्स कंपैरिजन वीडियो ऑफ द Z8 कैमरा सून। आपको किन किन कैमरों के साथ अपने Z8 कैमरे की स्पेक्स कंपैरिजन देखनी है वो मुझे जरूर आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। इवन इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूल जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स।